बीते एक साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी वजह से केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च हुई कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। अब इसी कोविशील्ड पर मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जी आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मद्रास हाईकोर्ट में दायर यह याचिका कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को लेकर की गई है। साथ ही इस याचिका में 5 करोड़ मुआवजा देने की भी मांग की गई है। बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद गंभीर साइड इफेक्ट से जूझ रहे 41 वर्ष के याचिकाकर्ता आसिफ रियाज ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और एस्ट्राजेनेका को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ICMR, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और श्री रामचंद्र हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर चेन्नई से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च की तय की गई है। बता दें कि याचिकाकर्ता रियाज पेशे से एक मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। उनकी माने तो उन्हें कोरोना के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट के बाद 1 अक्टूबर को वैक्सीन की खुराक दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। हालांकि 11 अक्टूबर को तेज सिरदर्द की वजह से सुबह से वे जल्दी जाग गए। दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कई परीक्षणों के बाद इस बात का पता चला कि उन्हें गंभीर न्यूरो इंसेफेलोपैथी है। जो लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि इस बीमारी के कारण आपके मस्तिष्क और व्यक्तित्व पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। आपकी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भी कमी आती है। यही हुआ आसिफ रियाज के साथ। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहां उन्हें वैक्सीन लगाई गई थी, उन्हें अगले दिन ICU में शिफ्ट कर दिया गया। यहां उन्हें 20 अक्टूबर तक उपचार दिया गया। उसके बाद उन्हें अगले एक दिन सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से वे 26 अक्टूबर को रिलीव कर दिए गए। रियाज ने अपनी याचिका में जो शिकायतें लिखी हैं, उनके मुताबिक वह टीका लगवाने के बाद न्यूरो इंसेफेलोपैथी से पीड़ित हुए और उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। लेकिन वहीं वैक्सीन निर्माता ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि ऐसा टीके के साइड इफेक्ट के चलते हुआ ही नहीं है। याचिकाकर्ता रियाज ने कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद होने वाली मौतों की कवरेज के बारे में न्यूज रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है और इससे साइड इफेक्ट के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाली मौतों और इसके साइड इफेक्ट्स के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।